मध्य प्रदेश में सियासी संकट बागी हुए कमलनाथ सरकार के 17 विधायक बीजेपी ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। माना जा रहा है कि 16 मार्च से शुरू होने वाली मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र पहले ही दिन बीजेपी कमलनाथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। कमलनाथ सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। कमलनाथ सरकार के 6 मंत्रियों समेत 17 विधायक बागी होकर बेंगलुरु पहुंच गए हैं। 2 मंत्री पहले से बेंगलुरु में मौजूद थे। इन विधायकों को 3 चार्टर प्लेन की मदद से दिल्ली से बेंगलुरु ले जाया गया है। यह सभी मंत्री और विधायक तकरीबन 3:30 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरे हैं। कमलनाथ सरकार के जिन मंत्रियों को बेंगलुरु ले जाया गया है वह प्रबुद्ध सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रभु राम चौधरी, इमरती देवी, महंत सिसोदिया, यह सभी मंत्री सिंधिया गुट के माने जाते हैं। इन विधायकों में से हरदीप सिंह डंग तो अपने इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष को भेज चुके हैं। हालांकि एक अन्य विधायक विसाहू लाल सिंह कल बेंगलुरु से भोपाल वापस गए हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि विसाहू लाल सिंह भी उन्हीं के साथ हैं और वह इस आश्वासन के बाद भोपाल रवाना हुए हैं कि जरूरत पड़ने पर वह बीजेपी के साथ खड़े होंगे। माना जा रहा है कि 16 मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले ही दिन बीजेपी कमलनाथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और इन विधायकों की मदद से अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि यह सभी मंत्री और विधायक सिंधिया खेमे के हैं। ऐसे में सिंधिया की बड़े कदम को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन कमल अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।